सुप्रीमो अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा विभाग में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। जोगी का यह भी आरोप है कि स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन के लिए मंगाई गई निविदा में विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। समग्र शिक्षा के नियमों को दरकिनार कर निविदा जारी की गई और इसकी शर्तें विशेष कंपनी बेनेट को फायदा पहुंचाने वाली रखी गई हैं। अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शिक्षा विभाग ने सीएम को धोखे में रखकर अपने मन के नियम विरुद्ध अनुभवविहीन कंपनी को ठेका दिया। जोगी ने आगे कहा है कि निविदा में ऐसी कठिन शर्त के कारण बहुत कम प्रतिभागी पात्र हुए। शिक्षा विभाग ने पूर्व नियोजित ढंग से बेनेट में जमा किए गए अमान्य और अवैध दस्तावेजों को 100 करोड़ का अनुभव बताकर स्वीकार किया। सरकारी कंपनी या सरकारी उपक्रम को प्राथमिकता दी जाती है, उस कंपनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा का काम करने का अनुभव नहीं है, और दूसरी कंपनी जिसको दिया गया उसके पास 100 करोड़ से के लगभग काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अखौर ग्वालियर से है।